बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ ईद स्पेशल कलेजी कढ़ाई। कलेजी कढ़ाई के लिए यहाँ पे मैंने कलेजी लिया 1 किलो और इसको मैंने वॉश कर लिया। इसको वॉश करने का तरीका ये है कि इसको मैंने कटिंग करने से पहले वॉश किया था। इसको 5 से 6 पानी मैंने निकाल लिया था। इसका जब ब्लड आपको ख़त्म होता नज़र आए तो फिर ये अच्छी तरह वॉश हो जाएगी। आगे मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं 4 अदद और इनको क्यूब साइज़ में काट लिया है। प्याज लिया मैंने मीडियम साइज़ का 1 अदद और इसको स्लाइसिस में काट लिया है। मैंने दही लिया यहाँ पर मैंने 1 पाव, यहाँ पर मैंने पानी लिया 1 गिलास और इसको पानी को मैं दही के अंदर शामिल करूंगी। नमक लिया यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून, दरदरी पिसी हुई सौंफ लिया 1 टेबलस्पून, रायदाना लिया 1 टीस्पून, अदरक का पेस्ट लिया यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून। कलेजी के अंदर थोड़ा ज़्यादा लहसुन अदरक का पेस्ट जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। हल्दी पाउडर लिया 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया 1 टीस्पून, गर्म मसाला पाउडर लिया मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून, हरा धनिया लिया यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून, कटा हुआ अदरक लिया मैंने यहाँ पे 1 इंच का, हरी मिर्च लिया यहाँ पे मैंने 3 अदद छोटे साइज़ के और इनको मैंने दरमियान में से काट लिया है, और ऑयल मैं यूज़ करूँगी 1/4 कप। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया, इसमें मैं डालूँगी ऑयल तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया और इसमें शामिल करूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे लहसुन अदरक के पेस्ट का थोड़ा सा कच्चापन जो है वो हम ख़त्म करेंगे। इसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, इसका बस जो हल्का सा कच्चापन होता है वो हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पे लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है और अब मैं इसमें कलेजी शामिल करके इसको फ्राई करूँगी। और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ यहाँ पे कलेजी को अच्छी तरह 10 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी ताकि कलेजी का जो ब्लड वगैरह है और पानी वगैरह है वो अच्छी तरह यहाँ पे ड्राई हो जाए और लहसुन अदरक का पेस्ट के साथ जो इसका जायका है वो आ जाए इसके अंदर। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये कि कलेजी को जब भी आप पकाएं तो इसको कभी भी कवर नहीं किया जाता, इसको ओपन ही पकाया जाता है। और यहाँ पे कलेजी की धुलाई के दौरान इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। तो यहाँ पे देखें, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश भी किया था लेकिन इसके ऊपर अभी हल्का हल्का ब्लड आ रहा है क्योंकि ये अभी भी फ्रेश लेकर आए हैं। तो आपकी भी अगर इस तरह ब्लड आए तो इसको अच्छी तरह भूनें ताकि इसका ब्लड और पानी जितना भी है ना वो इसके अंदर ड्राई हो जाए, ब्लड नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इसको अच्छी तरह 10 मिनट तक भूनें। तो यहाँ पे देखें, मैंने 10 मिनट तक इसकी अच्छी तरह भुनाई की है। ये देखें, ऑयल अब साइड पे आ गया है और इसका पानी और ब्लड जो भी था वो इसके अंदर ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। तो अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी, उसके लिए यहाँ पर मैं सेम कढ़ाई में ऑयल लूँगी। तो ऑयल यहाँ पे मैंने 1/4 कप से कम यूज़ किया थोड़ा, क्योंकि पहले कलेजी में भी यूज़ किया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी सौंफ, इसको हल्का सा दरदरा सा मैंने पीस लिया है, और रायदाना। इन दोनों चीज़ों को हल्का सा कड़क कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे ये कड़क हो चुके हैं, इसमें से रायदाने की कड़क की आवाज़ आएगी। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज और यहाँ पे प्याज को हम कलर देंगे। तो यहाँ पे प्याज को ब्राउन कर लेंगे, प्याज पे रायदाने और सौंफ का कलर आ जाएगा। और फ्लेम बिल्कुल यहाँ पे मीडियम रखिएगा। तो ये देखें, यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गया, ये देखें इतना हमें ब्राउन कलर चाहिए। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर शामिल करूंगी। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला और जिसको मिक्स कर लेंगे। मैंने 1 पाउंड दही लिया था, इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह मैं फेंट लूँगी। तो देखें, इसको इतना सा पतला करके मैं इसको डालूँगी ताकि टमाटर भी अच्छी तरह पक जाएँ हमारे। और यहाँ पे ये मसाला अच्छी तरह मैं भूनूंगी। तो यहाँ पे पानी अच्छी तरह ड्राई हो चुका है, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब इस मसाले के हिसाब से मैं इसमें नमक शामिल करूँगी।
तो ये देखें ऑयल साइड पे हमारा आना शुरू हो गया है। इसमें जाएंगी मिर्चें और अब मैं इसमें कलेजी डालूंगी जिसको मैंने पहले फ्राई कर लिया था। यहाँ पे कलेजी को मसाले के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। और जी यहाँ पे मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है मसाले के साथ कलेजी को। तो ये देखिए ऑयल इसका बिल्कुल ऊपर आ चुका है, मीन्स ये पक चुकी है। तो अब मैं इस पे डालूँगी अदरक, कटा हुआ अदरक, हरा धनिया जाएगा कटा हुआ। तो ये रेडी है, इसको अब मैं डिश आउट कर लूँगी। तो मज़ेदार सी कलेजी कढ़ाई हमारी तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।